इस दुनिया में हर किसी के जीवन में समस्याएं अवश्य है और इसी का नाम शायद जिंदगी है। कई लोग अपने जीवन की परेशानियों से हार मानकर अपने जीवन का ही अंत करने का निर्णय कर लेते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है। आज के युवाओं में भी खुदकुशी की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा के दबाव में आकर जहर खा लिया, या फिर किसी युवा युवती ने अपने पसंद के लड़के या फिर लड़की से शादी न होने की वजह से जहर खा लिया है और अपने जीवन का अंत कर दिया। लेकिन जहर खाकर जीवन का अंत करना कोई हल नहीं है, क्योंकि समझदार व्यक्ति वही है जो अपने जीवन की परेशानियों से लड़कर उसे हराए। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसे अस्पताल ले जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, पर कई बार अस्पताल लंबी दूरी में होते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते मरीज की जान भी अक्सर चली जाती है। ऐसे में यदि आप घर के कुछ प्राथमिक उपचार अपनाएं तो उस व्यक्ति को कुछ समय तक ज्यादा जिंदा रखा जा सकता है और उनकी जान भी बचाई जा सकती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसे उल्टी कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि उल्टी के साथ उस व्यक्ति के पेट में जो जहर गया है वह भी बाहर आ जाए। उसके लिए आपको उल्टी करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद आप थोड़ी सी राई लेकर उसे पीस लें और पीसी हुई राई को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से घोल बना दें और एक चम्मच करके उस मरीज को पिलाएं। 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति उल्टी करना शुरू कर देगा और पेट में मौजूद जहर उल्टी के द्वारा बाहर आ जाएगा। उल्टी कराने का एक और उपचार बहुत ही कारगर है, जिसमें आपको 2 गिलास पानी में लगभग 1 मुट्ठी नमक मिलाना है और उसे अच्छी तरह से घोलकर उस व्यक्ति को पिला देना है। ज्यादा नमक वाले पानी के कारण वो व्यक्ति उल्टी कर देगा और उल्टी के द्वारा पेट में जमा जहर भी बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और इससे आपको ज्यादा समय भी मिल जाएगा और वो जिंदा अस्पताल भी पहुँच जाएगा। Thank you.